नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो आज दिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। खबर सितारगंज से है जहां प्रशासन ने रात्रि में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 10 वाहन कब्जे में ले लिए हैं। जी हां, फर्जी रॉयल्टी की शिकायत पर पकड़े गए इन वाहनों में व उनमें लदे रेता बजरी की जाँच की जा रही है। सभी वाहन ओवरलोडेड पाए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। तुषार सैनी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने रात्रि 11 बजे से 2 बजे तक कार्रवाई की। इस दौरान रेता बजरी ढो रहे 10 वाहन कब्जे में लिए गए। इन सभी वाहनों को मंडी परिसर में खड़ा कर दिया गया है। सभी वाहन रेता बजरी से ओवरलोडेड थे। कुछ वाहनों में तो रेता बजरी की रॉयल्टी तक नहीं थी, उनकी रॉयल्टी की भी जाँच की जा रही है। SDM ने बताया आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया सभी वाहन ओवरलोडेड थे। इसमें रात हमने 11 से 2 बजे के बीच में ये कार्रवाई की है, जिसमें 10 गाड़ियां और अभी भी कार्रवाई जारी है, जिसमें हमने 3 ट्रॉली और पकड़ी हैं। इसमें से कुछ गाड़ियां विदाउट रॉयल्टी भी हैं और सभी में जो है वो कैपेसिटी से 100 टन से भी अधिक मात्रा में जो है वो RPM और गिट्टी और रेत भरा हुआ है। समय समय पर हमारा जारी रहेगा, क्योंकि इसमें हमें लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं कि कुछ जो वाहन चालक हैं या वाहन स्वामी हैं वो बिना रॉयल्टी के भी गाड़ी चला रहे हैं, और इसमें शिकायत फर्जी रॉयल्टी की है, जिसमें हमने पूर्व में भी कार्रवाई की थी। और ये भी हम रॉयल्टी भी हम चेक करा रहे हैं कि कोई जो रॉयल्टी है वो फर्जी तो नहीं है।